press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. कल सुबह से ही सलमान खान के माता पिता मुंबई में इंतजार कर रहे थे। जोधपुर कोर्ट से जमानत पाकर और जेल की सारी कार्यवाहियां पूरी करके सलमान ने जोधपुर से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी और मुंबई एयरपोर्ट से सलमान सीधे अपने गैलेक्सी स्थित निवास स्थान पहुंचे हैं। उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में फैंस पहले ही मौजूद थे, जो सलमान खान को देखते ही उत्साहित हो उठे। सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता से मिले और उसके कुछ देर बाद उन्होंने बालकनी में आकर फैंस को शुक्रिया कहा। जब सलमान खान अपने सभी फैंस को शुक्रिया कह रहे थे, तब उनके साथ भांजे आहिल, पिता सलीम खान और माता सलमा खान मौजूद थे। सलमान खान ने सभी फैंस को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा कि उन्होंने उनके परिवार का इस दुख की घड़ी में साथ दिया। आपको बता दें कि अभी सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट ने केवल बेल दी है। उनके ऊपर अभी भी दो काले हिरणों का शिकार करने का मामला केस चल रहा है। इस केस के अगली सुनवाई के लिए उन्हें 7 मई 2018 को जोधपुर कोर्ट में दोबारा पेश होना है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय सलमान खान से 25,000 रुपए के दो मुलचलके भी भरवाए हैं और अपने आदेश में कहा है कि वो बिना कोर्ट की इजाजत लिए किसी भी काम के लिए विदेश नहीं जा सकते हैं। यह पूरा मामला साल 1998 में का है। इसी साल सलमान खान निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं में काम कर रहे थे। इसी दौरान राजस्थान के कांकाणी गांव के लोगों ने सलमान समेत उनके सह कलाकारों पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया। सलमान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बीते गुरुवार जहां जोधपुर कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई, बाकी लोगों को बरी कर दिया।